डयर स्टूडेंट्स होप यू आर फिट एंड फाइन एंड योर प्रिप्रेशंस फॉर द एग्जामिनेशंस आर एट द पीक आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू हाउ डू वी प्रिपेयर हैलो एल्किन्स एंड हैलो एरिनस फ्रॉम सम अदर कम्पाउंड रिमेंबर जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर करने के मेथड्स को सर्च करते हैं we must know, we cannot ignore, हम इसे ignore नहीं कर सकते कि जो चीज़ हमें easily available है उस चीज़ से किसी दूसरे chemical substance को बनाया जा सकता है In the methods we will be discussing many number of methods. From which the haloalkanes and haloarenes can be prepared. Let us first discuss from alcohols alcohol can be generally represented at ROH Now see, here if i remove this OH group if i remove this OH group i remove it then further at the place of this OH if i place द हाइलोजन our problem is solved. बस यही तो हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ से ओ एच ग्रुप हट जाए एल्कोहल से और हाइलोजन लग जाए जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट क्या इतना आसान है इसे लगाना शायद नहीं इतना आसान तो नहीं है फिर तो क्या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है नहीं भाई ऐसा कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है बस बात है इसे समझने की सो फ्रॉम एल्कोहल कैसे बनाएंगे इसे हम वी शुड नो दैट हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए कौन सा रीजेंट कहाँ पर यूज़ करना है सिलेक्टिविटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अब हम इस एल्कोहल से लाइक आर एंड ओ एच दिस इज द कॉमन एल्कोहल एंड हियर इफ आई ट्रीट इट विद द क्लोरिनेटिंग एजेंट कोई भी हम क्लोरिनेटिंग एजेंट ले लें जैसे हम पी ले सकते हैं पी ले सकते हैं एस सी एल टू ले सकते हैं ये सब हमारे क्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं तो इफ़ आई कंसीडर द क्लोरिनेटिंग एजेंट पी सी एल फाइव फॉस्फोरस पेंटा एंड as a result we get r cl apart from that this hydrogen and oxygen get released means oh group is released from here and chlorine get attached this chlorine is furnished by pcl5 now <clears throat> what will be the byproduct the byproduct is pocl3 and also HCl. Now, let us see whether the equation is balanced or not. We have 3 and 4 and 5, and oxygen is 1, phosphorus is 1, it is balanced. Let us apply the same equation over the certain conversions, like the one conversion is CH3CH2OH this is ethanol i just wanted to convert it into ethyl chloride ya chloroethane by the help of pcl5 now i can write ch3 ch2 and cl apart from that we write POCl3 and HCl. So, in this way, we get the ethyl chloride. Now, similarly, we can also, if I take any alkane, any other alco alcohol, we can prepare the corresponding chloroalkane. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरो एल्केन आई एम टॉकिंग अबाउट हम ब्रोमो एल्केन की बात नहीं कर रहे हैं क्लोरो एल्केन की बात कर रहे हैं ठीक अब कोई और हम रीजेंट ले लें सपोज आई एम यूजिंग पी सी एल फाइव पी सी एल फाइव इन प्लेस ऑफ पी सी एल फाइव दिस इज द फर्स्ट वन नाउ द सेकेंड वन दिस इज वन पार्ट

alkyl halide now the second one r o h it is treated with p c l 3 p c l 3 and it results into r c l here the very important point to remember दैट वेन एवर यू आर ट्रीटिंग जब भी कभी आप पी सी एल थ्री फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ हीट कर रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं एल्कोहल को तो एल्कोहल के थ्री मॉलिक्यूल्स यूज होने वाले हैं देर आर थ्री मॉलिक्यूल्स विच आर यूज नाउ थ्री मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाई वन पी सी एल थ्री मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म द क्लोरो एल्केन And as a result, we will be getting H3PO3 phosphorus acid. We will be getting. Let us take one example for the same. Suppose I write CS3Cl, this is methyl chloride. Now, three molecules are required because we are treating it with phosphorus trichloride. So, I write here PCl. थ्री अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग थ्री लिख सकते हैं थ्री सी एच थ्री एंड आफकोर्स हियर वी हैव एल्कोहल नाउ आई विल बी राइटिंग सी एच थ्री सी एल फॉलोड बाई एच थ्री पी ओ थ्री फॉस्फोरस एसिड दिस इज मिथाइल क्लोराइड नाउ The again chlorinating agent is the thir third one. Chlorinating agent, I can use ROH along with that. Now, I am using SOCl2 thionyl chloride in the presence of pyridine. पिरीडीन के प्रेजेंस में अगर हम इसे ट्रीट कर दें तो फिर ये देता है आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड दे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस ये गैस की फॉर्म में रिलीज होंगे और रिएक्शन मीडियम को ईजीली ये छोड़ देते हैं मीन्स रिएक्शन मीडियम से ईजिली ये वोलाटाइल हो जाते हैं वेपर फॉर्म में चले जाते हैं एंड दैट इज वाई हम इस मेथड को ज्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेथड्स विच वी हैव डन तो उनसे ज़्यादा ये मेथड क्यों प्रेफर किया जा रहा है टू प्रिपेयर द क्लोरो एल्किन बिकॉज इन दिस केस द बाई प्रोडक्ट्स विच आर सल्फर डाईक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड दे गॉट इवॉपरेटेड इजली फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम Since they are gases. So we get the alkyl chloride or chloroalkane in the reaction medium. Now the other cases are the fourth one. Fourth part, here we can use ROH alcohol, and now it is treated with <coughs> the salt. Suppose uh, I write here KCl, along with it, I used to write sulfuric acid H2SO4. This is concentrated sulfuric acid. And now as a reaction, after the reaction, what we are getting? Here we have KCl and H2SO4. So, what happens? This KCl when react with H2SO4 it forms HCl hydrogen chloride. That hydrogen chloride attacks over here, and OH group is released, and we are getting RCl. RCl milega? और इसी के साथ साथ के एच एस ओ फोर के एच एस ओ फोर मिलेगा और साथ ही साथ एच टू ओ ये इतने कंपाउंड हमें मिल जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरो एल्कीन और एल्काइल क्लोराइड नाउ द अनदर टॉप अनदर थिंग इज दैट कैन बी प्रिपेयर

हमें ध्यान रखनी है अगर ऐसी रिएक्शन आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि के और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की जो रिएक्शन है ये कैसे होती है तो आप इजीली इस रिएक्शन पे होल्ड कर पाएंगे और आप इसे लिख भी पाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रिएक्शन रिएक्शन मीडियम में क्या हो रहा है कि के है now it is treated with h2so4 this is concentrated and we know that sulfuric acid instead of an acid it plays an other important roles it is a non-volatile acid this is oxidizing agent also so apart from acidic character it shows many other characters also right तो यहाँ पर इसका नॉन वोलाटाइल नेचर शो किया जाता है यहाँ देखो के है के में कौन सा हेल, कौन सा एसिड इसमें हिडन है तो पता चला कि इसमें भाई एच हिडन है जो कि वोलाटाइल होता है एच और प्लस के एच एस ओ फोर प्रोड्यूस हो गया और यही के एच एस ओ फोर और एच सी एल एच सी एल के बनने से मेन है हमारा एच सी एल तो इफ़ आर ओ एच इज ट्रीटेड विद एच सी एल दिस एच सी एल विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन देन वी विल बी गेटिंग आर सी एल प्लस वी गेट आर एच टू ओ इफ आई सम दीज टू इक्वेश अगर मैं इन दोनों इक्वेश्स को सम कर दूँ तो आई विल बी गेटिंग दिस एच सी एल एंड एच सी एल कैंसल्ड and followed by the remaining products reactants and products so here roh plus kcl plus h2so4 it gives rcl plus khso4 potassium hydrogen sulfate plus h2o this is the same equation what we have written earlier but इट इज एक्सप्लेनिंग क्विट क्लियर दैन द प्रीवियस वन इसके कंपेरिजन में देखो ये वन लाइन में था अब इसके साथ में हमने ये भी देख लिया कि कैसे रिएक्शन होती है तो देखिये ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो तो इस इक्वेशन में जो लिखे गए थे वही है बट हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस कि आखिर कैसे रिएक्शन कोई प्रोसीड हो रही है इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए चलो आगे देखते हैं अगर हम इस के की जगह पर हम के ले लें तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा के ले लें तो क्या इन पे इफ़ेक्ट आएगा क्या हमें यहाँ पर ब्रोमो डेरिवेटिव मिल पाएगा या फिर हमें प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा तो इन बातों को डिस्कस करते हैं नाउ इन द फिफ्थ पार्ट वी कैन से वी हैव आर ओ एच एल्कोहल है अब हमने इस एल्कोहल को ट्रीट कर दिया है with KBr plus यहां पर हमने लिख दिया है H2SO4 concentrated so I think we can write the product हम इसका product लिख सकते हैं तो क्या product इससे बनेगा देखिए यहां से बनता है R फिर यह बनेगा Br this is alkyl bromide अपार्ट फ्रॉम दैट एल्काइल ब्रोमाइड तो मिला ही मिला साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ें मिल गईं यहाँ हमें मिलेगा के एच एस ओ फोर इसके साथ मिलना है हमें एच टू ओ रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था इन केस ऑफ के सी एल तो बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन होनी है यहाँ पर भी आई होप आप इसे कर लेंगे अच्छा अब एक सवाल और आता है कि भाई एच ही बना है और यहाँ पर भी एच ही बना होगा तो क्यों ना हम डायरेक्ट एच लेकर के रिएक्शन करा दें क्या ज़रूरत है इसमें हम ये सब सॉल्ट लेने की बिल्कुल सही है कि भाई कोर्स हम कर सकते हैं ऐसा लेकिन ध्यान ये देना होगा यील्ड पे कि हमें यील्ड कितनी मिली प्रोडक्ट का अमाउंट कितना मिला दैट इज़ दो मोर कंसर्न पार्ट सो बेहतर ये होगा कि हम एच एच बी आर हो या एच सी एल हो इसको इनसी टू प्रिपेयर कर लें इनसी टू का मतलब होता है कि जब किसी पार्टिकुलर रीजेंट की हमें ज़रूरत हो ऐट देट टाइम वी प्रिपेयर दैट पार्टिकुलर रीजेंट राइट तो अब देखिए कैसे रिएक्शन हो रही होगी के बी आर और एस टू एस ओ फोर की रिएक्शन होगी तो इससे एच बी आर मिलेगा एच बी आर की रिएक्शन एल्कोहल के साथ और आर बी आर मिलेगा तो आप लोग इसको करके देखिएगा हो जाएगा नाउ अब देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग ये कह रहा है कि अगर हम इस आर ओ एच के साथ यहाँ पर के आई ले लें एंड वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड इन द सेम वे एज अर्लियर वी डिड जैसा हमने पहले किया है बिल्कुल वैसा ही लिखें तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था वो मिल पाएगा तो यहाँ पर जवाब है कि हमें यहाँ पर आर आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आर आई या तो हमें नेग्लेजिबल मिलेगा या फिर हमारी नीड को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ओवरऑल हम इस रिएक्शन को प्रिफर नहीं करते हैं के आई बनाने के आर आई बनाने के लिए एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ये तरीका हम नहीं यूज़ करते हैं क्यों नहीं यूज़ करते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस रिएक्शन तो आप बताएंगे कि भाई प्रोडक्ट नहीं बनता है या यूं कहेंगे कि इसकी ईल्ड नहीं होती है तो फिर ईल्ड क्यों नहीं होती है इसका जवाब भी तो मिले तो इसका जवाब यह है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके नेचर्स जो हैं अलग अलग नेचर यही ज्यादा इंपैक्ट लेके आते हैं क्या है अलग अलग इंपैक्ट इनकी इफ दिस के आई इज ट्रीटेड अब देखो इसमें क्या रिएक्शंस हो रही होंगी आप समझिए ध्यान से के आई ऑफ़कोर्स के आई एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करेगा कंसनट्रेटेड है तो यहाँ से यह एच और यहाँ से आई ये रिलीज करेगा एच आई बनेगा अलोंग विद डैट वी गेट के एच एस ओ फोर ये मिलेगा भी हमें हाइड्रोजन आयोडाइड हमें मिला भी जैसे अर्लियर केसेस में हमें एच सी एल मिला करता था एच बी आर मिलता रहता था सिमिलरली वी आर गेटिंग एच आई बट स्टिल द रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एज मच एज इज शुड तो फिर क्या हुआ भाई इसमें ऐसा तो आप बताएंगे कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है एच आई इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाई सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैन बी अंडरस्टूड इन दिस केस तो हाइड्रोजन आयोडाइड वेनेवर इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मीडियम अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है एच टू एस ओ फोर और फिर देखें इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है इट शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑल्सो अब यहां पर एसिड का रोल नहीं प्ले कर रहा है इट प्लेज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सो एज अ रिजल्ट हमें यहां पर क्या मिल जाता है वी गेट आई टू यहां पर आई टू मिलेगा वाई क्योंकि जो आयोडीन है इन द लेफ्ट साइड अगर हम देखें एच में जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो पता चलेगा माइनस वन है और सल्फर का कितना है ये प्लस सिक्स है हाइड्रोजन का वही प्लस वन है यहाँ पर भी प्लस वन है ऑक्सीजन का माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है अब आई टू जैसे ही आया तो इन केस ऑफ I2 आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ज़ीरो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है साथ ही साथ ये बना लेता है सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा और यह बना लेता है H2O। नाउ अब देखिए आप कि हियर वी आर यूजिंग 2HI, तो हियर वी गेट टू एच टू ओ 2 ऑफकोर्स एंड टू ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है नाउ इन सल्फर डाइऑक्साइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर दिस इज प्लस फोर इट मींस के सल्फ इन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर इज अंडरगोइंग सल्फर किस में जा रहा है सल्फर प्लस सिक्स स्टेट से प्लस फोर में जा रहा है इट मीन्स इसका हो रहा है रिडक्शन सो दिस इज द दिस इज अंडरगोइंग इन द रिडक्शन प्रोसेस दैट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इज दिस एस टूएसओ फोर दिस एच आई इज कन्वर्टेड इन टू आई टू ये आई टू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो बेटा इसका जो वो है माइनस वन से जीरो तक जाना दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आप बताएंगे कि वी कैनोट वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड के आई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इसके साथ हम नहीं बना सकते अब सवाल ये है तो क्या ये नहीं बन पाएगा ठीक है हम समझ गए कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन क्या इसका कोई हमारे पास इलाज है इसका क्या हम इसके ऑप्शन में कुछ और चीज़ें यूज कर सकते हैं आंसर इज यस आप यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज कि आप एसिड ही यूज करिए बट वो एसिडिक नेचर तो शो करे लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है फुलफिल हो सकती है रिक्वायरमेंट आपकी तो हियर यू कैन यूज़ इफ यू वांट टू प्रिपेयर आइडो एल्केन और एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम के आई एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो यू शुड यूज इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ फॉस्फोरिक एसिड आप फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ करें तो आप बना सकते हैं जैसे आपने लिख दिया के आई नाउ दिस के आई इज़ टू बी ट्रीटेड विथ यर वी राइट के आई नाउ एच थ्री पी ओ फोर दिस इज फॉस्फोरिक एसिड इसे हम फॉस्फोरिक एसिड कह रहे हैं दिस फॉस्फोरिक एसिड इज ये कैसा है फॉस्फोरिक एसिड दिस फॉस्फोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर एंड इट कैन रिलीज एच आई फ्रॉम के आई बट इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज दिस एच आई इंटू आई टू ये एच आई को आई टू में नहीं चेंज करेगा दैट इज़ वाई फॉस्फोरिक एसिड हमारी नीड को पूरा कर सकता है तो हियर वी विल बी राइटिंग आर आई आर आई और फिर इसके बाद में हमने लिख लिया है के एच टू पीओ फोर प्लस एच टू ओ सो दिस इज द वे हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस एल्काइल आयोडाइड ये अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा इस तरीके से इसका प्रिपरेशन हो जाता है ओके okay? होप आपने इसे लर्न किया होगा अच्छे से पढ़ा होगा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, गॉड ब्लेस यू ऑल